हमने बिजनेस पढ़ा है, हमने इंग्लिश पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तीनों ही सब्जेक्ट में एक चीज कॉमन है जो आपके बहुत काम आने वाली है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इंग्लिश में आपने फॉर्मल लेटर किए, इनफॉर्मल किए, कुछ डिफरेंस होगा उनमें, सिखाया होगा आपको मैम ने। बिजनेस में आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया या नहीं किया? अभी किया। अब हम इकोनॉमिक्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। सबके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक सिंगल मीनिंग होता है, बहुत ही सिंगल, जो सब में कॉमन है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ, जवाब मिल जाए। कुलजीत आप खड़े हो, मैं आपके घर पर आती हूँ तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट मैं आपके घर आती हूँ, आप क्या करेंगे? अच्छा, मेरे को आप बिठा के पहले पानी दोगे, तो पानी कैसे लाओगे आप मेरे लिए? ट्रे में ग्लास ऊपर रख के, सही बोल रही है ये? आप सभी भी ऐसे ही करोगे? आप सबने ऐसा क्यों किया मेरे लिए? क्योंकि मैं, अच्छा, मैं आपकी गेस्ट हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ, ये सारे रीजंस थे। यही अगर ये आपके घर आती तो आप उसको कैसे पानी देते? नहीं, आप उसको ऐसे कहते, ये ले बॉटल पकड़। मोस्टली या तो बॉटल या अंदर रखे जाके ले, है ना, बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी कहीं गई है, आप बैठो, पानी लोगे आंटी? कितनी देर में आएंगी? मम्मी अभी थोड़ी देर तक आ रही हैं। ये लो बेटा, मम्मी को। पानी पिलाइयो। क्या पानी? देख यहाँ से सीधा जा, लेफ्ट मुड़ जा, फ्रिज बड़ा है और ले ले अपने। तो यहाँ पर जो आपने डिफरेंस किया वो क्या था? वो रीजन ये था कि मेरे साथ आपने जो किया दैट इज फॉर्मेलिटीज, है ना, मेरे साथ आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, बट उसके साथ आप इनफॉर्मल हो, आपको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, आपने उसको बोलना ठीक है आगे ले लो, ओके। सिमिलरली इंग्लिश में आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, फॉर्मल में बड़ा रिस्पेक्टफुल मैनर में कि भाई आप ये हो वो एड्रेस डालते हो, और इनफॉर्मल में क्या होता है कि अपना ही कोई रिलेटिव है, सिंपल जो बातें आपको करनी है करनी है। उसी तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हम लोग आपस में कैसी कम्युनिकेशन करते हैं? फॉर्मल। आप अपने फ्रेंड से कैसी कम्युनिकेशन करते हैं? इनफॉर्मल। सिमिलरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बताऊंगी, फिर पॉइंट्स आप मुझे बताएंगे, मैं स्टोरी बता रही हूँ, पॉइंट्स आप बताएंगे। स्टोरी ये, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम फॉर्मेलिटीज के साथ होते हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ फॉर्मेलिटीज नहीं होती, रूल रेगुलेशंस नहीं होते, वो इनफॉर्मल होता है। एग्जांपल, ये स्कूल, हम यहाँ सुबह टाइम से आते हैं, आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, संडे फिक्स हैं, छुट्टी मतलब संडे तो वैसे फिक्स होता है, तो छुट्टी फिक्स है, तो ये फॉर्मल हुआ इनफॉर्मल। और एक पहचान, सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स की पहचान, जहाँ पर मोर देन 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मोर देन 10 वर्कर्स, दैट इज फॉर्मल, दैट इज फॉर्मल। इफ द नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 10, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे 9 पर्संस एम्प्लॉयड है, 9, और एक ऑनर है, तो नाउ यू हैव टू टेल मी, इज दिस फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। वर्कर शुड बी मोर देन 10 ओनली, ओके। हमारे स्कूल्स में जो टीचर है, हमारे इस स्कूल में जो टीचर्स है, इज इट मोर देन 10 और लेस देन 10? फॉर्मल और इनफॉर्मल? फॉर्मल। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप बताइए निष्ठा, आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस लगा, कोई एक पॉइंट बताइए फॉर्मल में। अभी कितने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बताइए। नहीं नहीं, डिफरेंस बताइए मुझे कोई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है? वेरी नाइस, तो एक पॉइंट फॉर्मल में मोर देन 10 और इनफॉर्मल में लेस देन 10। सेकंड पॉइंट अमन बताएगा। मैम, फॉर्मल में डिसिप्लिन होता है, इनफॉर्मल में डिसिप्लिन फॉलो। ये तो गलत बात बोली आपने। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया था कि आप घर पे जाओ तो पानी पिलाएगी, और इसके साथ मैम इसने बोतल पकड़ा दी, वो एग्जांपल था, आप उसको पॉइंट में क्यों पुट कर रहे हैं? पॉइंट नहीं मैम, पॉइंट। चलो ठीक है, इसको डिसिप्लिन बट को हम रूल रेगुलेशन लिख देते हैं, पॉइंट करेक्ट है आपका। ठीक है, बैठिए। तो फॉर्मल में रूल रेगुलेशन होता है और इनफॉर्मल में रूल रेगुलेशन नहीं होते। थर्ड पॉइंट, निखिल
फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अभी देखो वही पॉइंट, फॉर्मल में फॉर्मेलिटीज है तो वही हो गया, पॉइंट क्या बना इसका आप बताइए प्राची, पॉइंट नंबर 3। फॉर्मल में नहीं समझ में आ रहा, चलिए बैठिए, मैंने बताया फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैं बोलती जा रही हूँ रिपीट करना, फॉर्मल में वर्किंग आवर्स, इनफॉर्मल में वर्किंग आवर्स नॉट फिक्स, फॉर्मल में ये जो संडे छुट्टी वगैरह फिक्स, इनफॉर्मल में आप एक बात बताओ, आपके पापा की शॉप है अपनी, वो संडे को भी शॉप ओपन करते नहीं करते, करते क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी देर शॉप ओपन रहेगी उतनी देर अर्निंग होगी, है ना। फॉर्मल में सैलरी फिक्स, इनफॉर्मल में सैलरी नॉट फिक्स, आपके पापा की शॉप है, आप दिमाग में सेट करो, अगर मैं स्कूल में टीचर हूँ दिस इज फॉर्मल, आपके पापा की कोई शॉप है वो इनफॉर्मल। अब अपने पापा में और उसमें डिफरेंस देखो और लिखते जाओ। पहला डिफरेंस कि मेरी सैलरी फिक्स है, मुझे एवरी मंथ मिलती है, उनकी सैलरी नहीं होती, उनका डेली का होता है जितना उन्होंने अर्न किया जितनी देर काम किया। मेरी वर्किंग आवर फिक्स है, मैं स्कूल में आई 7 आवर्स दिए घर पे चली गई, वो शॉप को और ज्यादा देर तक खोलते हैं, इवन जो होता है ना फेस्टिवल सीजन होता है उसमें तो उनको नाइट में देर तक भी काम करना पड़ता है, हमारे को तो फेस्टिवल पे ऑफ मिलता है और उनको फेस्टिवल पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ना। हम लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन का मतलब है हम लोग अगर सारे टीचर मिल जाएं और बाई चांस एक वो कहते ना धरना देना, हम बैठ जाएं कि हम काम नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं करोगे, कुछ भी लाइक दैट, कि आप हमारी सैलरीज बढ़ाओ या ये करो या वो करो, तो हम स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके पापा कहाँ स्ट्राइक करने जाएंगे, कहीं नहीं। तो ट्रेड यूनियन बन सकती है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती, ठीक है। अर्निंग ज्यादा किसमें होती है, आपको क्या लगता है, फॉर्मल में इनफॉर्मल में? इनफॉर्मल में बेटा अर्निंग, इनफॉर्मल में आपको जितना ज्यादा काम करोगे तब पैसे होंगे, अदरवाइज इनफॉर्मल की इनकम फॉर्मल से कम होती है, ठीक है। गॉट इट, आप बताइए फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस क्लियर।